फिल्म कल की 2089 रेडी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा। महज 15 दिनों में फिल्म ने 1000 करोड़ के आंकड़े को किया पार। बनी बाहुबली 2 के बाद फास्टेस्ट 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म। तो वही KGF पर बनी फिल्म थंगलहम का धांसू ट्रेलर हुआ रिलीज। जान विक्रम की एक और ब्लॉकबस्टर के लिए हो जाइए तैयार। साथ ही जानेंगे फिल्म चंदू चैंपियन मुंजिया एंड महाराजा के अभी तक के टोटल कलेक्शंस के बारे में। जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, साउथ फिल्मों के पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल की 2089 रेडी के सिनेमाघरों में 15 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। फिल्म को 27 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसके रिलीज हुए फिल्म सिनेमाघरों में 15 डेज को कम्प्लीट कर चुकी है। बात करेंगे फिल्म के 15 डेज तक कलेक्शन की। तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 15 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 14 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल 15 डेज तक वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 1009 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। जी हां दोस्तों, फिल्म महज 15 डेज के अंदर वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिए हैं। फिल्म का इंडिया के बॉक्स ऑफिस से टोटल 15 डेज तक 601 करोड़ नेट। तो वहीं फिल्म का हिंदी बॉक्स ऑफिस से 228 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 274 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। तो वहीं दोस्तों फिल्म कल की 2089 रेडी के कंपैरिजन में फिल्म बाहुबली 2, KGF चैप्टर 2, RRR, सलार, पठान एंड जवान के 15 डेज तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म बाहुबली 2 ने 15 डेज तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 1250 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया था। तो फिल्म KGF चैप्टर 2 ने 15 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 980 करोड़ ग्रॉस। फिल्म RRR ने 15 डेज तक 990 करोड़ ग्रॉस। तो वहीं फिल्म सलार ने 15 डेज तक 667.59 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी थी। तो फिल्म पठान ने 15 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 877 करोड़ ग्रॉस। तो फिल्म जवान ने 15 डेज तक वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 937.61 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी थी। दोस्तों फिल्म कल की 289 रेडी 15 डेज तक वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर फिल्म बाहुबली 2 के बाद फास्टेस्ट 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है। तो वहीं फिल्म तेलुगु फिल्मों में फिल्म बाहुबली 2 RRR के बाद तीसरी 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है। दोस्तों फिल्म कल की 289 रेडी फिलहाल अपने थर्ड वीक में इंटर कर चुकी है। फिल्म अपने थर्ड वीक में भी सिनेमाघरों में सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। दोस्तों बता दो कि 12th ऑफ जुलाई से फिल्म कल की 289 रेडी सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्मों से क्लैश होने वाली है। कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 एंड अक्षय कुमार की फिल्म सरफिराज से फिल्म कल की 289 रेडी फिलहाल क्लैश होगी। ऐसे में फिल्म कल की 289 रेडी के कलेक्शंस पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल फिल्म कल की 289 रेडी को दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं जान विक्रम की फिल्म थंगलहम के ट्रेलर रिव्यू के बारे में। दोस्तों सुपरस्टार जान विक्रम की मोस्ट अवेटेड फिल्म थंगलहम का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर देख फैंस पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुके हैं। जहां फिल्म के ट्रेलर में जान विक्रम का गजब का लुक देखने को मिला, फिल्म का ट्रेलर आपको अलग दुनिया में ले जाती है। फिल्म में जान विक्रम शानदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिलों को जीतते हुए नजर आए हैं। दोस्तों बता दो कि फिल्म की कहानी कोलार गोल्डफील्ड यानी KGF के इतिहास के बारे में है। दोस्तों बता दो कि फिल्म रिलीज के साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकती है। दोस्तों बता दो कि फिल्म को 15th अगस्त 2024 को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है। फिल्म थंगलहम के लिए दोस्तों आप सब कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट में राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म चंदू चैंपियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म चंदू चैंपियन के कलेक्शन की। तो फिल्म चंदू चैंपियन के सिनेमाघरों में 28 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, यानी फिल्म के रिलीज हुए सिनेमाघरों में फोर्थ वीक कंप्लीट हो चुका है। बात करेंगे फिल्म चंदू चैंपियन के 28 डेज कलेक्शन की। तो फिल्म चंदू चैंपियन ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के अंदर 15 लाख की कमाई का टोटल 28 डेज तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 71.15 करोड़ नेट। तो फिल्म का वर्ल्ड से 91.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म चंदू चैंपियन के बजट की बात करें तो चंदू चैंपियन को ओवरऑल 120 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। दोस्तों बता दूं कि फिल्म चंदू चैंपियन ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिलहाल अभी फिल्म का ऑफिशियल डेट कंफर्म नहीं है। फिल्म चंदू चैंपियन को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म मुंजिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 35 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म मुंजिया के कलेक्शंस की। तो फिल्म मुंजिया के सिनेमाघरों में फिफ्थ वीक कंप्लीट हो चुका है, यानी फिल्म सिनेमाघरों में 35 डेज कंप्लीट कर चुकी है। बात करेंगे फिल्म मुंजिया के 35 डे कलेक्शन की। तो फिल्म मुंजिया ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 35 के अंदर 25 लाख की कमाई का टोटल
35 डेज तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 105.76 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है, तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 130 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। दोस्तों बता दो कि फिल्म मुंजिया को 30 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। दोस्तों बता दूं कि फिल्म मुंजिया पे आधा लागत VFX पर खर्चे हुए हैं। फिल्म मुंजिया दोस्तों एक हॉरर जॉनर की फिल्म है जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई है। फिल्म मुंजिया अभी भी सिनेमाघरों में रिलीज है। फिल्म को अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म महाराजा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तमिल लैंग्वेज की साल 2024 की एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म महाराजा के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के सिनेमाघरों में 28 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, यानी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुए अपने 4th वीक कंप्लीट कर चुकी है। बात करेंगे फिल्म महाराजा के 28 डे कलेक्शन की, तो फिल्म महाराजा ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 28 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 30 लाख की कमाई कर टोटल 28 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 108.60 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों फिल्म महाराजा के बजट की बात कर ले तो महाराजा को 20 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। दोस्तों बता दो कि फिल्म महाराजा अब OTT पर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म को 12 जुलाई से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है। फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों बता दो कि फिल्म महाराजा विजय सेतुपति के कैरियर की 50वीं फिल्म है जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी। फिल्म को अगर आपने मिस किया है तो फिल्म महाराजा अभी भी सिनेमाघरों में रिलीज है, नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों ये था लिखा जो हाल फिल्म के कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा और लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।